أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدقت يا رب العالمين जगते छावा लभदिया नहीं टुर जावण एक बार ते मावा लभदिया नहीं टुर जावण एक बार ते
ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਜਣੋ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਏ ਆਪੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆਪੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਮਾਂ जब बच्चे को ठोकर लगती है तो मां के मुंह से खुद ब खुद निकलता है मेरा पुत्र बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला पुत्र बिस्मिल्ला मेरा पुत्र मां दा सजनो अंत विछोड़ा सहनाए ਆਪੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆਪੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਸਦਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਸਦਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋ ਬੋਲ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਚ ਅੱਡੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਏਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਮਾਂ ਕੇ ਸਦਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਮੇਂ आला मकाम अता फरमाए और जितने अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं जिन जिन की माएँ जिन जिन के वालदैन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं अल्लाह तबारक व ताला उनकी मगफ़रत फरमाए और जिनके हयात हैं
अल्लाह उनका साया अपने बच्चों के सर पर ता देर ता कयामत कायम रखे, और हम औलाद को अपने वालदैन के साथ मोहब्बत के साथ शफकत के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। सामने मोहतरम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश करूंगा प्रोफेसर इफ्राहिम साहब से कि वो तशरीफ लाएं और हजूर की बारगाह में हदीए अकीदत पेश फरमाएं। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रबे दो आलम का महबूब जगाना है, जो रबे दो आलम का महबूब जगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, जहरा का वो बाबा है, हसनैन कनाना है, जहरा का वो बाबा है, हसनैन कनाना है। आओ दरे जहरा पे जहरा पे फैलाए हुए दाम है, नस्ल करीमों की लजपाल गराना। माँ की शान में एक शेर है, मेरे आका ने ए हो फरमाया ते कर लो खिदमत मादी, हो जिसने काबा तकना हो
ओए तक ले सू रत मादी ओए जिसने काबा तकड़ा हो वे ओए तक ले सू दुआए मेरी या मौला न मरण किसे दिया मावा होए माँ दे पैरा तल्ले ओए मावा ठंडिया छावा ओए माँ दे पैरा तल्ले जन्नत ओए मावा ठंडी सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त निजा आए दीदार अता करना और मुजरिम हूँ जहाँ बरका देखी करूं मुझे उस पर सवाब की उम्मीद है अल्लाह ताला अपने फजल से कबूल फरमाए तो वो सवाब देता है वो सवाब मैं अगर किसी और को बख्शना चाहूं एक को या ज्यादा को रब ताला के ख़जाने में कोई कमी नहीं मैं जितनों को बख्शूं अल्लाह सबको अता फरमाता है इस अमल का नाम ईसाले सवाब है हम इस पर दिन महीना वक्त बोल देते हैं तीसरे दिन किया तो स्वयं कह दिया सातवें दिन किया सातवां कह दिया दसवें दिन किया दसवां कह दिया चालीसवें दिन चालीसवां साल के बाद बरसी उर्स ग्यारहवीं कुंडे ये सब उर्फी नाम हैं असल चीज़ ईसाले सवाब है जो कुरान से भी साबित है हदीस से भी साबित है हम जिंदगी में एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं वफात के बाद भी हमारा ये सिलसिला जारी रहता है हम नेकी करके सवाब बख्शते हैं गुनाहगार को सवाब बख्शा जाए उसके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं किसी नेक को सवाब बख्शा जाए उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस शरीफ के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही औलाद औलादे फातिमा अगर ईमान पर दुरुस्त रहेंगे तो वो दोजख में नहीं जाएंगे सही हदीस है औलादे फातिमा दोजख में नहीं जाएगी शर्त ये है कि ईमान पर रहें लेकिन ईसाले सवाब करेंगे तो वो उनकी खुशी का दर्जों की बुलंदी का बायस होगा वो हम सबको करते हैं नेकों को भी गुनाहकारों को भी आज का मौजू माँ है सगे माँ बाप को वालिद वालिदा कहते हैं
माँ की उम्र की कोई खातून उसको माँ कह सकते हैं, बाप की उम्र का कोई शख्स बाप कह सकते हैं, लेकिन वालिद और वालिदा सगे माँ बाप को कहते हैं। हमारे दुनिया में आने का सबब माँ बाप है। अगर वो ना होते तो हमारा वजूद ना होता। रब तआला के बाद दुनिया में, और मेरे रब का फरमान है अनिश्कुर ली वले वालिदैक, हक मान मेरा और अपने माँ बाप का, शुक्र कर मेरा और अपने माँ बाप का। यहाँ किसी नबी वली का भी नाम नहीं लिया, सिर्फ वालिदैन का नाम लिया। मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं कर सकता, चंद हदीसें पेश करूँगा और एक दो वाकयात। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद बेहकी शरीफ किताब शोबुल ईमान में मौजूद, फरमाया मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी वालदा जिंदा होती, मुझे आवाज़ देती मेरा नाम लेकर। मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता और मैंने सूरह फातिहा पढ़ ली होती, माँ की आवाज़ आती, मैं नमाज तोड़ के माँ के पास जाता। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। इससे अंदाज़ा करें कितना दर्जा माँ को शरीयत ने दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तशरीफ़ फरमा सहाबा के दरमियान, दूर से एक खातून को आते हुए देखा, उम्मी उम्मी कह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और जाकर खातून का इस्तकबाल किया। सहाबा की आदत थी जब कोई खातून आती तो हट जाते थे, हमारी तरह नहीं कि हम और ज़्यादा झांकते हैं, वो हट जाते थे ताकि खातून आराम से अपनी बात कर सके। नबी पाक ने जो चादर मुबारक ओढ़ी हुई थी वो उतार के उस खातून के लिए बिछा दी, उन्हें बिठाया, कुछ बातें की, फिर हाथ पकड़ के घर में ले गए, खिलाया पिलाया, कुछ बकरियां कुछ तोहफे दिए, सवारी पे बिठा के दूर तक, जिसको हम छोड़ना कहते हैं या पहुंचाना, वो करके जब वापस आए, सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन खुश नसीब खातून थी, आपने अपनी चादर उसके लिए बिछाई, आप उसके लिए खड़े हुए, इस्तकबाल किया, घर ले गए, इतना कुछ दिया। फरमाया ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा थी। उलमा लिखते हैं जब दूध पिलाने वाली, जिसको उर्फ आम में दाई या मुर्दिया कहते हैं, उसके साथ इतना सलूक किया, सगी माँ होती तो कितना करते। मौलाए कायनात हैदरे कर्रार सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालिदा हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रदियल्लाहु ताला अन्हा इंतकाल फरमा गई। हज़रत अली रोते हुए आए, माँ ऐसी हस्ती, बच्चा 8 साल का हो या 80 का, माँ की जुदाई पे रोता ज़रूर है। रोते हुए आए, हुजूर आपकी चची और मेरी वालिदा इंतकाल कर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने जो कमीस मुबारक कुर्ता कमीस पहने होते उतार के दिया कि मेरी चची को मेरे इस कमीस में कफन देना, चादरों से पहले वो कमीस उन्हें पहनाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी कब्र में उतरे, लेट गए, बाहर निकल के फरमाया लंबाई चौड़ाई में और ज़्यादा करो, जिसको हम कुशादा करना कहते हैं। फिर दोबारा लेटे कब्र में और दुआ के लिए हाथ उठाए,
अल्लाहुम्मग़फिरले उम्मी, या अल्लाह मेरी माँ फातिमा बिनते असद को बख्श दे। बेहक़ नबी ये का कितना प्यार का जुमला, या अल्लाह उसके सदक़े जो तेरा नबी है। ये नहीं कहा कि मेरे सदक़े, ये अल्लाह की तरफ निस्बत की। वल अम्बिया मिन कबली, और वो नबी जो मुझसे पहले हो गए उनके सदक़े बख्श दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सलूक पर भी सहाबा ने पूछा, हुज़ूर आपने अपनी कमीज भी दी, दो मरतबा कब्र शरीफ में भी लेटे, दुआ भी की। फरमाया, मेरी पैदाइश से पहले मेरे वालिद दुनिया से चले गए, 6 बरस की ज़ाहिरी उम्र हुई तो वालिदा भी तशरीफ ले गई, 8 बरस की ज़ाहिरी उम्र हुई तो दादा जान भी चले गए, मैं अपनी इस चची के पास रहता था, जब तक मैं खाता नहीं था ये खाती नहीं थी, जब तक मैं सोता नहीं था ये सोती नहीं थी, ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी। अंदाज़ा किया जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सलूक मुझे और आपको क्या पैगाम दे रहा है। आप करोड़पति हो जाएं, अरब खरबपति हो जाएं, दुनिया के सारे ओहदे आपको मिल जाएं, आप सारी दौलत माँ बाप पे खर्च कर दें, फिर भी उनका हक अदा नहीं हो सकता किसी सूरत भी। आप ये ना समझें कि आपने बहुत कुछ किया, हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनका हक अदा नहीं हो सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बात सुनाना चाहता हूँ, मेरे सामईन सुन रहे हैं। 2005 में जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो मैंने उनकी वफात पर एक किताब लिखी थी, माँ जी क़िबला की याद में। उस वक्त उनके वाक़यात लिखने के साथ मैंने उसमें 150 के करीब हदीसें जमा कर दी थी उस किताब में वालिदैन के बारे में। एक हदीस उस वक्त मैंने खुद पहली मर्तबा पढ़ी थी, उससे पहले वो मेरे मुताले में नहीं आई थी, वो आपको सुना रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है, अगर नहीं सुनी है तो ज़रा तवज्जो से सुनिए। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आप कहेंगे किसी को कत्ल कर देना, गीबत करना, सूद लेना, शराब पीना, आप ये गुनाह शुमार करेंगे। उस दिन पता चला कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, ज़रा दिल के कानों से सुनिएगा। सबसे बड़ा गुनाह ये है, माँ या बाप आपको बुलाए और आप कह दें मैं मसरूफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और हमसे कितनी बार हुआ होगा, हमने कभी अंदाज़ा ही नहीं किया। ये हदीस उस दिन मैंने पहली मरतबा। माँ का अदब कितना होता है, इमामुल आइम्मा खुलासा अहले बैत हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका नाम अली औसत है। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब इबादत करने वालों की जीनत, ये लकब उनको क्यों दिया गया है? वो रोज़ाना 5 वक्ता नमाज के अलावा 1000 नफल रोज़ पढ़ा करते थे। उनकी वालिदा हज़रत सैयदा शहर बानो, पूरे मदीना को मालूम था हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत है माँ बेटे में। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी वालिदा के साथ एक दस्तरखान पर एक बर्तन में खाना नहीं खाते थे, बहुत प्यार था मगर साथ खाना नहीं खाते थे। किसी ने पूछ लिया, इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो माँ के साथ खाना क्यों नहीं खाते? हमारे पास शायद अदब के अपने अपने मेयार हैं। जरा सुनिए शहजादा अहले बैत का इरशाद, फरमाया मैं माँ के साथ खाना अदब की वजह से नहीं खाता। लोगों ने कहा उसमें खाने में अदब का क्या मसला?
फरमाया अदब ये है, एक बर्तन है या एक दस्तरखान, किसी लुक्मे पे माँ की नजर हो और वो मैं खा लूं, मैं इसको बेअदबी समझता। अंदाजा कीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिजाज में थोड़ा सा जलाल था, तेजी थी। जब जाते थे कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने, माँ पीछे मुसल्ला बिछा लेती थी। माँ माँ ही होती है, उसका कोई बदल नहीं, उसके नाम का बदल नहीं तो उसकी हस्ती का बदल कहाँ होगा। मुसल्ला बिछा के दुआ करती है, या अल्लाह मेरे मूसा के मिजाज में तेजी है, बात करते हुए कहीं आवाज ऊंची हो जाए तो माफ कर देना। माँ का इंतकाल हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो गैब से आवाज आई, जरा एहतियात से बात करना, पीछे दुआ करने वाली नहीं बैठी, अब वो नहीं है, जरा होश से बात करना। अंदाजा करें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मैं जानना चाहता हूं जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। जवाब मिला, नबी को तो शक नहीं है, नबी मासूम होते हैं। पूछा, मैं ये नहीं कहा कि जन्नत में जाऊंगा या नहीं, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। जवाब मिला, एक कसाई, बुचर, कसाब। या अल्लाह कौन है? बता दिया गया, सफर करके उसको मिलने गए। उसकी दुकान पर पहुंचे, पूछ के पहुंच गए उस इलाके में, देखा उसको, देखते रहे कि क्या कर रहा है, इसकी कौन सी खूबी है कि ये जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। कोई खास बात अलग से नजर नहीं आई, वो दयानतदार ताजिर था। आपने उसे कहा कि मैं मेहमान बनना चाहता हूँ एक दिन के लिए तुम्हारा, मुझे अपने घर ले जाओगे? उसने कहा, जी ये थोड़ा सा गोश्त बाकी है, ये फरोख्त कर लूँ, फिर मैं घर जाऊँगा, आपको ले जाऊँगा, ज़रूर मैं अपने घर में मेहमान रखूँगा। उसके साथ उसके घर गए तो उसने कहा, आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरी माँ है, बहुत बीमार बूढ़ी है, बिस्तर पे है, हिल नहीं सकती, मैं पहले उसको खाना खिलाऊंगा फिर आपको खाना दूंगा। फरमाया, बहुत अच्छी बात है, क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकता हूँ? उसने कहा, आइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो खातून, मुंह में दांत नहीं रहे, बुढ़ापा, पूरा जिस्म बता रहा था कितनी कमजोरी। इसने रोटी को शोरबे में भिगोया, हाथों से दबाया, फिर मुंह में रख के नरम किया, माँ को अपने सीने से लगा के थोड़ा सा बिठा कर लुक्मा माँ के मुंह में डाला। माँ अपने पोपले मुंह से उसको निगल कर हर लुक्मे पे ये कहती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाना। हजरत मूसा की आंखों से आंसू जारी हो गए, फरमाया, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूँ, तेरी दुआ कबूल हो गई है, तेरा बेटा जन्नत में मेरा पड़ोसी रहेगा। ये माँ की खिदमत, सिर्फ माँ की खिदमत। हदीस आपने सुनी हुई है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, औरत के कदमों के नीचे नहीं, जब वो माँ बन जाए, माँ के कदमों के नीचे। और इस जन्नत का क्या तसव्वुर, मूसा अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, लंबी मुसाफत उस जमाने में सवारियां आसान नहीं थी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह कोई सवारी मिल जाए, मेरा सफर आसान हो जाए। फरमाया, यहां सामने जाओ, हमारा एक बंदा है, उसको जाके मिलो, वो तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम कर देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ढूंढ कर उस शख्स के पास पहुंचे, कहा, मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे सफर करना है, मुझे सवारी का इंतजाम कर दो। वो शख्स जिसके पास गए थे वो नबी नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम नबी है,
नबी के ज़रिए उस शख्स की शान जाहिर करनी थी, क्योंकि गैर नबी नबी के बराबर नहीं हो सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसको कहा, उसने उंगली से एक बादल को इशारा किया, वो बादल नीचे आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस पर सवार हो जाएं, जहां आपने जाना है ये आपको पहुंचाएगा। आज का कॉलेज यूनिवर्सिटी का नौजवान मुझे पूछेगा, बादल बिखर जाते हैं, दिमाग कहाँ है, सुनते कैसे हैं? चूंकि रूहानियात से उनको वास्ता नहीं, तो उनके जहन में ये शक आएगा। छोटी सी एक चिप बनाते हैं, टेलीफोन में कार्ड डाल देते हैं, रेयर अर्थ, एक ख़ास मट्टी से वो बनती है, जिसको आप सिम और चिप कहते हैं। वो सारी दुनिया की शक्लें याद कर ले, आवाज़ें याद कर ले, तो इनको ताज्जुब नहीं होता। रब जिसको चाहे, जो चाहे, जितना चाहे कमाल अता करे। मूसा अलैहिस्सलाम उस बादल पे सवार हो गए, बादल उड़ने लगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, इस शख्स को ये रुतबा कैसे मिला, इसकी ये शान कैसे हो गई? तो अल्लाह ने उसकी शान ही जाहिर करनी थी, इसलिए हजरत मूसा को उनके पास भेजा। अल्लाह ने फरमाया, ये जिस बंदे के पास तुम गए थे, इसने अपनी माँ की बहुत खिदमत की है, ये अपनी माँ की कोई बात नहीं टालता था। इसकी माँ ने अपनी वफात के वक्त दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे ने कभी मेरी बात नहीं टाली, मौला तू इसकी ना टालना। हमने इसकी माँ की दुआ कबूल कर ली, ये जो कहता है हम वैसा कर देते हैं। किस वजह से? कोई बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ने रोजे रखने से नहीं, माँ की खिदमत से। जो फराइज वाजिबात हैं वो करने ही करने हैं, लेकिन हमारे रिश्ते नातों में जब रफ्ज़े रहमान अल्लाह का नाम हम पुकारते हैं, उसी से रहम मादा वो निकला। अल्लाह ने मिसाल भी दी कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला हूं, तो प्यार करने रहम करने की दुनिया में जिस हस्ती को अलामत बनाया रिश्तों में, वो माँ है। अंदाजा किया जाए उसका कितना दर्जा है, कितना मर्तबा। मैं और आप चूंकि मसाइल जानते नहीं, बहुत सी कोताहियां हो जाती हैं। माँ की पेशानी पे कदम तो चूमना बहुत अच्छी बात, हमारी फिका हनफी की बड़ी मशहूर किताब, मोतबर किताब दुर्रे मुख्तार में लिखा है, माँ के कदमों को चूमना ऐसा जैसे जन्नत की चौखट को चूमना। कभी पेशानी चूमे माँ की, क्योंकि बुजुर्गों के लिए हम यही हाथ चूमेंगे, पांव चूमेंगे, या उनकी पेशानी चूमेंगे। ऐसा शख्स जो ये अमल करता है, अपने लिए बख्शिश का सामान करता है। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक वाकया बयान किया जाता है, इनका ना सही अन। एक सहाबी थे, आप कहेंगे कि जब सहाबा में भी ऐसे लोग थे तो फिर हम क्या? तो ये चूंकि दीन ने मुकम्मल होना था, मिसालें कायम होनी थी, इसलिए इंसानी बशरी मामलात अगर ना होते तो आज मिसाल ना होती। वो सहाबी, उसकी जान अटकी हुई है, रूह नहीं निकल रही, कलिमा पढ़ना चाह रहा है, पढ़ नहीं पा रहा। यहां एक मसला अर्ज कर दूं, कभी भी किसी बीमार के पास जाएं, या ऐसा शख्स जिस पे सकरात, सकरात मौत की निशानियां जाहिर होने लगे, उसे कभी ना कहिएगा कि कलिमा पढ़ो, क्योंकि वो तकलीफ में है। आप उसके सामने कलिमा पढ़ें आवाज के साथ, ताकि सुन के वो दोहरा ले। आपने कहा पढ़ो और उसने ना पढ़ा तो सारी मेहनत चली जाएगी। तो ये नहीं कहना कि कलिमा पढ़ो, खुद पढ़े ताकि वो पढ़ने लग जाए या उसकी आवाज सुनता हुआ जाए। वो सहाबी थे, कलिमा पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ा जा रहा, जान अटकी हुई है, निकल नहीं रही। लोग दौड़े हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहि वसल्लम के पास आए। हुजूर, ये माजरा है,
फरमाया उसकी माँ जिंदा है? जी अर्ज की कि वो जिंदा है। फरमाया उसकी माँ से पूछो वो हमारे पास आएगी या हम उसके पास आए। उसकी माँ को जब ये बात पहुंची उसने कहा मैं अल्लाह के रसूल को क्यों तकलीफ दूंगी, मैं भले बूढ़ी हूं लेकिन मैं खुद जाऊंगी। लाठी टेकती हुई वो बारगाह में आ गई। फरमाया क्या तू अपने बेटे से नाराज है? उसने कहा जी मैं नाराज हूं। जब से शादी हुई बीवी ही बीवी सब कुछ हो गई, मुझे भूल गया, मेरे लिए टाइम नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, इसलिए मैं उससे नाराज हूं। हुजूर ने फरमाया लकड़ियां जमा करो, जो बहुत ज्यादा तादाद में आग लगाओ। उस औरत ने कहा क्यों? फरमाया तेरे बेटे को उसमें डालेंगे, क्योंकि तू नाराज है, उसने तुझे नाराज किया है तो आग में तेरे बेटे को डालेंगे। उसने कहा मैं कैसे गवारा करूंगी, मेरी आंखों के सामने बेटे को आग में डाला जाए? हरगिज नहीं। फरमाया अगर ये गवारा नहीं करती तो उसको मुआफ कर दे, अगर तू मुआफ नहीं करेगी तो वो नहीं बचेगा। माँ थी सारी खताएं भुला देने वाली, उसने कहा मैंने मुआफ किया। इधर माँ ने मुआफ किया, उधर बेटे की जबान पर कलिमा जारी हो गया। अंदाजा करें, अंदाजा करें। ये मैंने आपको वाकयात वो सुनाए हैं जो रिवायात पूरी मौजूदा दौर के सुनाऊं या तारीख के सुनाऊं वो अलग बात है। अहकाम सुन लीजिए जरा, एक मसला आपको याद हो जाए। हक खिदमत और हक ताजीम, ये दो हक होते हैं। हक ताजीम बाप का ज्यादा है, हक खिदमत माँ का ज्यादा है। समझा दूं, अब आए हैं माँ बाप के पास, दोनों ने कहा मुझे पानी पिलाओ। पहले माँ को पिलाएंगे फिर बाप को पिलाएंगे। दोनों ने पैसे मांगे आपसे, पैसे दो, 100 रुपया है आपके पास, 75 माँ को देंगे 25 बाप को देंगे। शायद ये मसाइल आपके जेहन में ना हो इसलिए बता रहा हूं। हमारे यहां माँ बाप के लिए यही है कि जी पैसे भिजवा दिए, टाइम नहीं देते, उनके पास बैठते नहीं हैं। आप कितनी बड़ी नेमत से महरूम, माँ माँ होती है। बेटा दूसरे शहर जाए माँ पूरे शहर की खैर मांगती है, क्योंकि उसका बेटा वहाँ गया है। और वो दुआ करती है कि जी जहाँ पैर वहाँ खैर, जहाँ कदम वहाँ करम, ये माँ के सिवा कोई नहीं है और उसका बदल भी कुछ नहीं है। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आपने सुना हुआ है, दोहरा देता हूँ। बंदा आया मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है? फरमाया तेरी माँ का। उसने कहा फिर? फरमाया तेरी माँ का। उसने कहा फिर? फरमाया तेरी माँ का। चौथी मर्तबा पूछा तो फरमाया तेरे बाप का। मां जिस तकलीफ से गुजरती है उसका ख्याल मैं और आप शायद सोच भी नहीं सकते। हम बचपन में सारी सारी रात रोते, उसने कभी शिकायत नहीं की कि मुझे सोने नहीं देता, बिस्तर गीला कर दें वो खुद गीली जगह पर आ जाती है, बच्चे को सूखी जगह पर रख, उसको उठाना पड़े, जान देनी पड़े आपकी जिंदगी के लिए, वो दरेग नहीं करती। हम तो माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और मैंने आपसे पहले कह दिया आप कुछ भी कर लें हक अदा नहीं हो सकता। अब एक शख्स आया, अर्ज की मेरी माँ मेरे सुलूक की मुस्तहिक थी, मैं उससे नहीं कर सका। फरमाया तेरी खाला जिंदा है, जा उसके कदम चूम ले, उसकी खिदमत कर। क्या मतलब? एहसास होना चाहिए कि माँ बाप का हक है हम पर, हमने क्या उसको अदा किया या नहीं। और ये बात सुन लीजिए, बाप को बीच वाला दरवाजा कहा गया, माँ के कदमों तले जन्नत। आप कितने ही नेक हो जाएं अगर माँ बाप राजी नहीं है आप जन्नत के मुस्तहिक नहीं होंगे।
हाँ शरई वजह हो जाए, माँ बाप का कोई फैसला आपको नहीं समझ आ रहा और वो शरीयत के खिलाफ है, उसको मानना जरूरी नहीं है। फला तो तय हो माँ, कुरान ने कह दिया कि शरीयत के खिलाफ उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उसके सिवा उनकी कोई बात टाली नहीं जाएगी। ये कुरान में वाज़े तौर पर हुक्म मौजूद है। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही जो कलाम किया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन अईनमा कुंतु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती। खास तौर पर कि मुझे ताकीद की गई है कि मैं अपनी माँ के साथ भलाई करूं, क्योंकि बाप के बगैर अल्लाह ने उनको पैदा किया था, इसलिए सिर्फ माँ का जिक्र किया। यानी जो अहकाम हैं उनमें बुनियाद माँ को रखा। ये कहावत मामा ठंडियाँ छावा, माँ की दुआ जन्नत की हवा, आप तो ट्रकों के पीछे लिख देते हैं, लेकिन कभी दिल में उतारी ये बात, कभी सोचा कि माँ क्या चीज़ है? काश जीते जी हमें कदर हो जाए और हम उनकी थोड़ी सी भी खिदमत कर ले, वो मामूली सी खिदमत पर भी बहुत दुआएं देती हैं। सुल्तानुल आरिफीन, आरिफ कहते हैं पहचानने वाले को, अल्लाह ताला को पहचानने वालों में जो बादशाह कहलाते हैं। नाम है तैफूर बिन ईसा, मगर इस नाम से आप उनको नहीं जानते। उनका पुकारा जाने वाला नाम कुनियत हज़रत बायजीद बिस्तामी रदी अल्लाह ताला। ये उन पांच बुज़ुर्गों में हैं जिनका नाम बतौर ख़ास पुकारा जाता है। सैयदना इमाम जाफर सादिक के खलीफा हैं, नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग। बड़ी मशहूर उनकी बात है, रात का वक्त माँ ने पानी मांगा, ये उठे, घर में जो घड़ा मटका सुराही थी तो उसमें पानी नहीं था। रात के वक्त पड़ोसियों को उठाना मुनासिब नहीं समझा कि मैं पड़ोसियों को उठाऊंगा उनकी नींद ख़राब होगी, बर्तन लेकर कुएं तक गए। सर्दी का मौसम जब पानी लेकर आए, माँ नींद में जा चुकी थी, उसके सरहाने खड़े रहे। तहज्जुद के वक्त जाके माँ की आँख खुली, देखा बेटा सरहाने खड़ा है हाथ में बर्तन, क्या बात है? अम्मा जान आपने पानी मांगा था, घर में नहीं था, मैं कुएं से लेके आया हूँ, हाथ ठिठर गए थे सर्दी में। माँ ने देखा, दुआ कर दी, अल्लाह ने वलियों का सरदार बना दिया। अंदाज़ा करें। और फिर मैं नबी पाक की माँ की बात करूँ, मैं हसनैन की माँ की बात करूँ, मैं नबी पाक की औलाद की माँ की बात करूँ, कितनी माओं के हमारे पास वाक़यात हैं, नमूने हैं, मगर जब ये चली जाती हैं, कहने वाले ने कहा माएँ जब मर जाती हैं रेत से आंखें भर जाती। रेत से आंखों का भर जाने का मतलब के आंसू, अगर रेत डाली जाए तो बहुत आएंगे, तो वो कैफियत हो जाती है, आंसू नहीं थमते, दिल को करार नहीं आता। ये वो हस्तियां हैं जिनका कोई बदल नहीं। तवज्जो कीजिएगा, मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया। अगर ये हदीस आपने पहले सुनी हुई है, ज़हनों में ताज़ा करें, नहीं सुनी हुई तो आज ये याद कर लीजिएगा। आकर अर्ज की, हुजूर एक ज़मीन है ऐसी पथरेली, हमवार नहीं है, स्मूथ नहीं है, पथरेली ज़मीन, नोकदार पत्थर, और वो भी इतने गर्म कि ताज़ा गोश्त डालें तो कबाब बन जाए, इतनी गर्म ज़मीन। ऐसी ज़मीन पर मैं अपनी वालिदा को अपनी पुश्त पर सवार करके 6 मील चला हूँ।
किलोमीटर बना लीजिएगा तो वो 9-10 बन जाएंगे। 6 miles, 6 मील मेरे पांव जलते रहे, छाले बनते रहे, फटते रहे, खून निकलता रहा, माँ को तकलीफ नहीं होने दी। 6 मील चला माँ को पुश्त पे सवार करके कि माँ को तकलीफ ना हो। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने सुनकर क्या फरमाया? फरमाया, जब तू अपनी माँ के पेट में था और तेरी वजह से उसको दर्द के झटके लगते थे, शायद शायद किसी एक झटके का बदल हो गया होगा, शायद, वो भी नहीं कि यकीनी तौर पर, शायद किसी एक झटके का बदल हो गया होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमा रहे। नबी पाक के पास आने वाली ख्वातीन कितनी बेहतरीन माएँ होंगी, क्या उनका अंदाज होगा, मसले सुन रहे हैं, बता रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के घर एक खातून आई अपने 2 बच्चों के साथ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हुई। देखा तो आपने उसको खजूर दी। उस खातून ने खजूर के 2 टुकड़े किए, दोनों बच्चों को दे दिए। दूसरी दी उसने, दोनों वो भी बच्चों को दे दिए, खुद उसमें से नहीं खाया, वो चली गई। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात नबी पाक जब तशरीफ़ लाए उनको सुनाई। फरमाया, जब एक माँ इतनी मेहरबान है, रब कितना मेहरबान होगा। और फरमाया, ये उसके जन्नती होने की अलामत। जन्नत में एक घर है जिसका नाम दारुल फरह, वो उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को खुश रखते हैं। और जो माँ बाप को खुश रखते हैं उनके लिए कितनी शान है वहाँ, उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। हम हनफी कहलाते हैं, हमारे इमाम इमाम आज़म नौमान नाम है, अबू हनीफा पुकारते हैं कुनियत। अबू हनीफा का मतलब सीधे दीन वाला। बहुत बड़े हमारे मोहसिन, आज पूरी उम्मत उनके बताए हुए तरीके पर अमल कर रही है। 83,000 उन्होंने प्रिंसिपल्स उसूल बना दिए, जिससे अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा मसला निकाल चुके हैं हम लोग। आप आते हैं ना किसी भी मुफ्ती के पास, आलिम के पास, पूछते हैं, वो खट से जवाब दे देता है, ये मेहनत इमाम आज़म करके दे गए हैं, उन्होंने सारी मेहनत कर दी हमारे लिए आसानियाँ। इमाम आज़म की वालिदा ने किसी शख्स का बयान सुन लिया था, तकरीर सुन ली थी, बेटे को बुलाया, जाओ वो फलां शख्स है, ये नाम है उसका, उससे ये बात पूछ कर आओ। इमाम आज़म अपने वक्त में सबसे बड़े आलिम थे। माँ ने कहा उस शख्स के पास जाओ, आप तशरीफ ले गए, उसका दरवाज़ा खटखटाया, जब वो बाहर निकला तो कांपने लग गया, इमाम साहब मेरे दरवाजे पर, मुझसे ज़रूर कोई ख़ता हो गई होगी, किसी ने शिकायत की होगी, इतने बड़े इमाम मेरे दरवाजे पर आए। आपने उसे फरमाया, घबराने की बात नहीं, ये मसला तुम इसका जवाब दे दो। उसने कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं आपके शागिर्दों के शागिर्दों का शागिर्द छोटा सा, आप इतने बड़े इमाम मुझसे मसला पूछ रहे हैं। फरमाया, मेरी माँ ने कहा है कि तुझसे पूछ के आऊँ, नहीं परवाह की कि मैं कौन हूँ, मेरा दर्जा क्या है, शागिर्द के पास भेज रही, माँ ने कहा। फरमाया, माँ के कहने से आया हूँ, जो तू कहेगा मैं जाके माँ को बता दूँगा। अंदाज़ा करें, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स जर्मन चला गया, वापस जब आए तो माँ की याद में, वालिदा मरहूमा की याद में पूरी नज़म लिखी, पढ़ें उसको, कि ज़िंदगी की औज गाहों से उतर आते हैं हम।
हैं, माँ की गोद में तिफले मादर रह जाते हैं हम। वो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वहाँ भी माँ की तरबियत की वजह से मुझसे तहज्जुद कजा नहीं हुई। ये माँ की तरबियत थी, माँ पहला स्कूल, और माँ फिर माँ हो नेक हो तो फिर बच्चे बड़े प्यारे आते हैं। अल्लामा इकबाल यही कहते हैं, खातून इस्लाम तू सैयदा की तरबियत सीख ले तो फिर तेरी गोद में भी हुसैन जैसे बच्चे आएंगे। शर्त क्या है? उनकी बारगाह से सबक ले ले, उनकी गुलाम बन जा। हमारी आज माएँ इल्ला माशाल्लाह मालूमात नहीं होंगी, या फिर टेक्नोलॉजी ने दुनिया में उनको इतना घुमा दिया। लेकिन मेरी जितनी भी उम्र है, मैं 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 बुरूर आज़म आदि से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ। मैंने उन्हीं बच्चों को लायक देखा है जिनकी माएँ नेक हैं, उन्हीं बच्चों को बाअदब देखा है जिनकी माएँ नेक थी, घुट्टी से ही मिली थी, दूध से ही मिला था, वही माएँ। हज़रत सैयदा चक्की चलाती हैं, कुरान पढ़ती हैं। असर कैसे कि सर कट गया नेज़े पे चढ़ा हुआ 20 दिन के बाद भी कुरान सुनाता है। तो ये माएँ हैं, इनका कोई बदल नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये एहसास हो कि वो माँ की सही खिदमत नहीं कर सका, तो उसके लिए भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने हमें तालीम दी है, जब भी दुआ करें माँ बाप के लिए ज़रूर दुआ करें। आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में पेश भी नहीं होगी अगर आपने माँ बाप का जिक्र नहीं किया। ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकी रहेगी, माँ बाप का जिक्र ज़रूर करें। जब कभी कोई सदका खैरात, एक तो ज़कात है, फितरा है, वो तो आपने देना ही देना है। जब कभी अल्लाह की राह में दें, माँ बाप की तरफ से दें, आपका सवाब कम नहीं होगा, उनकी रूह खुश हो जाएगी। हर जुम्मा के दिन बाप या माँ की कब्र पे जो बेटा जाए, हदीस शरीफ है, और वहां जाकर यासीन शरीफ पढ़े, तो वो अगर बद भी हो तो नेक लिखा जाता है। अंदाजा करें, यानी वो रुतबे आपको माँ बाप की खिदमत से मिल जाएंगे जो बरसों की रियाजत से नहीं मिलेंगे। मुझे और आपको गौर करना चाहिए। आखिरी बात, टाइम जो मुझे दिया आमिर साहब ने, मैं उसकी पाबंदी करूंगा। मुझे एहसास है आप लोग आए हैं, मेरी मुलाकात तो नहीं थी पहले, अगर है तो याद नहीं, लेकिन नाम सुना। मैं दिन का वक्त देता नहीं हूँ, मुझे तकरीबन निसफ सदी हो गई सारी रात जागता हूँ, फजर के बाद सूरज निकलने पे सोता हूँ। ये मेरा नींद का टाइम था, सफ़र करके आया हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि सुना कि सैयद साहब है। मैंने कहा आपकी वालदा भी सादात में से, तो एक सैयद खातून की बारगाह में नजराना पेश करने के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हम लोग मसले सुनते नहीं, याद नहीं करते, तवज्जो नहीं देते। अगर थोड़ा सा भी सीख ले तो आसानी हो जाए, थोड़ा सा भी वक्त। आप शायद हैरान हो, एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम, बादशाह उनसे बहुत प्यार करता था और मानता था कि ये बहुत बड़े आलिम भी हैं, रूहानी बुजुर्ग भी हैं, जिसको आप पीर साहब कहते हैं कि आलिम भी हैं, क्योंकि जाहिल तो वली होता ही नहीं है। वो उनको बुलाता था, मशवरे लेता था। एक दिन बुलाया पीर साहब को, आए मुझे बहुत ज़रूरत है। उन्होंने पैगाम भेजा कि मेरी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं नहीं आ सकता। उसने, बादशाह था, उसने सोने के सिक्कों की भरी थैली भेजी, ये लो किसी खादिमा को बुला लो, ये पैसे तुम्हारे उसके लिए कि उसको तनख्वाह देनी होगी, तुम्हें मेरे पास आना है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, माँ की खिदमत के लिए कोई मुलाजिम, कोई खादिमा खद्दामा बुला लो। उन बुज़ुर्गों ने जो जवाब दिया वो आपको सुनाना है। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था मुझे माँ की ज़रूरत थी, मेरी माँ ने खादिम नहीं रखा था, खुद मुझसे
सलूक किया था, खिदमत की थी। आज माँ को ज़रूरत है, मैं खादिम नहीं बुलाऊंगा, खुद खिदमत करूंगा। पैसे वापस भेज दिए। एक बुजुर्ग के बारे में एक शख्स आया, उसने आके ख्वाब सुनाया, मैंने देखा है तुम्हारी दाढ़ी में हीरे मोती लगे हुए हैं। उन बुजुर्गों ने कहा तूने ये ख्वाब कब देखा है? उसने कहा आज सुबह देखा है। कहा बिल्कुल सही देखा है, ये जो रात गुजरी है मैंने अपनी दाढ़ी से माँ के कदम साफ किए थे। तो अगर तूने हीरे मोती लगे देखे हैं तो गलत नहीं देखे। हजरत सैयदना उवैसे करानी रदी अल्लाह ताला आशिक मदनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी जमाना पाया मगर नबी पाक की जियारत के लिए नहीं आ सके। किस वजह से? माँ की वजह से। नाबीना थी माँ, बूढ़ी थी। माँ ने कहा बेटा तुम चले जाओगे तो मुझे छुएगा कौन, मुझे कौन पूछेगा। माँ की खिदमत में लगे रहे, नबी के पास आके सहाबी ना बन सके। हुजूर यमन की तरफ मुंह करके फरमाते थे मुझे इधर से मोहब्बत की खुशबू आती है। हजरत उमर और हजरत अली से फरमाया ये मेरा जुब्बा ले लो, जुब्बा पहनना सुन्नत। हुजूर ने जुब्बा दिया, फरमाया उससे मिलना, उसको ये जुब्बा देना और कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। वो खैरु ताबईन, इतनी हस्ती, काश मैं और आप अगर अब तक भूले हुए हैं आज से ही अपने आप में तब्दीली ले आए। माओं को जिनके माँ बाप जिंदा हैं खुशबख्त हैं। मुझसे एक मर्तबा किसी ने पूछा आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी जो आप चाहें कि जी आपको पूरी दुनिया में बताया जाए, कौन सी ख्वाहिश करेंगे आप? मैंने कहा मुझे मेरे माँ बाप वापस दे दो, इससे बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि उनका कोई बदल नहीं और वो नहीं आ सकते, अब हम नहीं उनके पास जाना है। तो मैं यही पैगाम देकर गुफ्तगू समेटूंगा। हमें नहीं मालूम कि हमने कब चले जाना है, हमें नहीं मालूम कि हम पर क्या बीतनी है। कब्र में मट्टी डाल के लोग वहीं हाथ झाड़ के आएंगे, दूर नहीं आप ही के ऊपर हाथ झाड़ के आएंगे, बोटियाँ ढूंढ रहे होंगे। आपके यहाँ तो मौत पर भी अजीब समा होता है, जिसके घर में मैयत हुई है उस पर पहाड़ टूटा है सदमे का, लेकिन वो अपने सदमे को भूलकर आपके उठने बैठने खाने पीने की फिक्र में होता है। हमने ये निज़ाम भी पता नहीं कहाँ से सीख लिया। शरीयत क्या कहती है? रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को कि 3 दिन तक तुम उनको खाना पहुँचाओ, लेकिन हम उनसे मांगते हैं कि वो हमें खिलाए, और जो नहीं खिला सकता उसको ताने देते हैं कि तूने मरना नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों हमने ये निज़ाम बना लिया। खाना मना नहीं है, जायज़ है, मगर हक नहीं है। हक किन का है? गुरबा का, मसाकीन का, मुसाफिरों का, या जो रिश्तेदार घर में आए, कोई अमीर भी खाएं, मना नहीं है, मगर हमने ये रस्में डाल कर दूसरों के लिए मुश्किल की हुई है। हमारे यहाँ तो जब मैयत होती है ना तो उसके जो कपड़े होते हैं कहते हैं ये गुसल वाले को दे दो, हालांकि वो भी वारिसों का हक है, जो कपड़े पहने हुए थे वो भी वारिसों का हक है। घड़ी उतार के खुद जेब में डाल लेते हैं, कपड़े कहते हैं मुर्दे के हैं, तो घड़ी भी तो मुर्दे की है, मगर हम वहाँ पर मसले भूल जाते हैं। मौत को याद करें, कब्र में जाना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है। ज़रा सोचें, बनी इसराइल के वाकयात आपने सुने हुए हैं, मैं नौजवानों को वो वाकयात सुनाता, ज़रूर उनको बताता, लेकिन इस महफिल में बस ओवर टाइम नहीं करता। चंद बातें अर्ज़ की हैं और इस नीयत से अर्ज़ की है कि मैं भी और आप भी कोशिश करें, माँ बाप को राज़ी कर लें तो रब राज़ी हो जाएगा, कामयाबी होगी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, हमारी कोताहियाँ मुआफ़ फरमाए। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।